दोस्तों बिहार के ईमानदार आईएएस को मारने वाला आनंद मोहन का रिहाई हो गया है। इस पर आईएएस की पत्नी का छलका दर्द। आईएएस कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने आनंद मोहन की रिहाई पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि राजपूत समुदाय सहित अन्य समुदाय को भी इस रिहाई का विरोध करना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी रिहाई को रोकने का अनुरोध किया है। दोस्तों क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। उससे पहले अगर आप बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारा चैनल द हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आईएएस कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने आनंद मोहन की रिहाई पर बड़ा अफसोस जताया है। उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद आनंद मोहन को बिहार जेल नियमों में हुए बदलाव के तहत रिहा के संबंध में कहा कि ईमानदार अधिकारी को मारने वाला छूट गया है। उन्होंने इसे अन्याय बताया है। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा लिया गया फैसला बहुत ही गलत है। उन्होंने आगे कहा कि एक ईमानदार अफसर को हत्या करने वाले को छोड़ा जा रहा है और इससे हम समझ सकते हैं कि न्याय की व्यवस्था क्या है। उन्होंने आगे कहा कि राजपूत समुदाय सहित अन्य समुदाय को भी इस रिहाई का विरोध करना चाहिए। वहीं आनंद मोहन ने कहा कि मैं अपनी सजा काट चुका हूं। रिहाई के ठीक बाद आनंद मोहन ने कहा कि जो लोग मेरी रिहाई का विरोध कर रहे हैं वह कोर्ट के फैसले को अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2007 में उन्हें सजा मिली थी, उसके बाद साल 2012 में एक एक्ट आया, इसके आधार पर ही उन्हें रिहा करवाया गया है। वैसे भी आजीवन कारावास का मतलब पूरी जिंदगी जेल नहीं होता है, इसका मतलब होता है 20 साल की सजा। आगे उन्होंने कहा कि अगर किसी भी कैदी का आचरण सही होता है तो 14 साल की सजा काटने के बाद रिहा किया जा सकता है और मैं अपने केस में 15 साल की सजा काट चुका हूं। ऑफिसर कृष्णैया की मौत पर आनंद मोहन ने कहा कि उनकी मौत का हमें भी बहुत दुख है। दोस्तों यह घटना 5 दिसंबर 1994 की है। बिहार में एक गैंगस्टर मारे जाने के बाद मुजफ्फरपुर की जनता में आक्रोश था। इसी दौरान गोपालगंज के डीएम रहे कृष्णैया अपनी सरकारी गाड़ी से उसी रास्ते से जा रहे थे। आक्रोशित भीड़ ने उस पर हमला कर दिया और गोलियां भी चलाई, जिसके चलते डीएम कृष्णैया की मौत हो गई। आरोप था कि डीएम की हत्या करने वाली उस कुख्यात भीड़ को आनंद मोहन ने उकसाया था। दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है, एक ईमानदार ऑफिसर को हत्या करने वाले अपराधी को इस तरह से रिहा करना सही है या गलत, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब